एसएसबी 8 वाहिनी खोप्रेल को आयोजना में आज देखि मिरिक तामाङ यूथ होस्टल में 3 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण शिविर शुरू भएको छ। शिविर को उद्घाटन में एसएसबी का कमांडेंट प्रवीण कुमार हसदे, असिस्टेंट कमांडेंट दीपक तोमर, मिरिक खंड विकास अधिकारी विप्लव कुमार आदि उपस्थित थे। आजदेखि शुरू भएको मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण शिविरमा मिरिक महकुमा सीमा क्षेत्रका 45 जना युवाहरूले सहभागिता जनाएको थियो। यस अवसरमा बोल्दै एसएसबीका मितुल कुमारले एसएसबीले सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा गर्न साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने युवाहरूलाई देशको मूल धारामा बगाएर रोजगारको क्षेत्रमा अग्रसर गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए। तो सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की और हमारे जो ट्रेनीज हैं यहाँ पर उनका मनोबल इससे बढ़ा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सशस्त्र सीमा बल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर में अपनी दायित्व का जो भारत सरकार के द्वारा हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटी है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर गार्डिंग के साथ बॉर्डर में सिक्योरिटी के साथ हमारा जो टास्क है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और हमें बहुत खुशी होती है जान करके और बताते हुए भी बहुत खुशी हो रहा है कि पिछले कई वर्षों में हमने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें मोबाइल ट्रेनिंग है, आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है और इस तरह के बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए हैं जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग ने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, वो अपने अर्निंग खुद से ही वो करने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो 45 ट्रेनिंग यहां पर उपस्थित हैं जो इस मोबाइल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से आप लोग इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करें और सीखें, इंटरेक्टिव सेशन रखें और दिल लगा करके जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके अनुसार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को इस ट्रेनिंग को अच्छे से करें। 8वीं वाहिनी खपड़ैल जो है सशस्त्र सीमा बल की, वो आज से जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो यूथ हैं, जो हमारे बॉर्डर एरिया के यूथ हैं, उनमें से 45 बच्चों को सिलेक्ट करके हम और मोबाइल ट्रेनिंग जो निःशुल्क है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम 30 दिन का प्रोग्राम चला रहे हैं और निःशुल्क इन बच्चों को मोबाइल ट्रेनिंग हम आरएस मैनेजमेंट सर्विस जो सिलीगुड़ी में बेस्ड है उनके सहयोग से ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं ताकि जो हमारे यूथ हैं उनका टेक्निकल जानकारी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उनकी जानकारी बढ़े और इस तरह का मोटिवेशन जो कार्यक्रम मोटिवेशनल कार्यक्रम है ये समय समय पर हम चलाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज जो हम मोबाइल रिपेयरिंग का जो एक प्रोग्राम है वो हम शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए हमारा संदेश यही है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको निश्चित रूप से समय पर अटेंड करें, जानकारी हासिल करें, इंटरेस्ट लें ताकि उनकी जानकारी बढ़े और ना सिर्फ वो इस जानकारी को अपने तक सीमित रखें बल्कि और भी जो यूथ इस तरीके का ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसको भी संदेश दें कि उनको क्या फ़ायदा हुआ है। आने वाले दिन में हम ये सेम प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी चलाएंगे। गणतंत्र दिवस तो ऐसे भी हमारे देश का एक अच्छा वो है, पर्व है, तो इस मद्देनज़र जो है सीमावर्ती क्षेत्र में जो है हम अपना सघनता बढ़ाते हैं, ऑपरेशनल ड्यूटी बढ़ाते हैं और तलाशी अभियान बढ़ाते हैं और बॉर्डर पर फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी हम इंश्योर करते हैं। हमारे जवान राउंड द क्लॉक इंश्योर करते हैं कि ड्यूटी कर रहे हैं और जितने भी सस्पेक्ट हमें लगते हैं उनको ठीक से गाड़ियों को, आदमी को, उनके सामानों को चेक करते हैं ताकि हमारे देश, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो सुरक्षित रहे।